जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अपने चरम पर है और सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह कल कर दिया ताकि जमाते इस्लामी चुनाव में हिस्सा ले सके और उन्होंने इसे लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई बताया है। इसके अलावा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि जमाते इस्लामी कभी चुनावों को हराम यानी निषिद्ध मानती थी लेकिन अब पता चल रहा है कि वो इसे हलाल यानी कि मान्य मानती है। अब आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने दरअसल कहा क्या था। इससे पहले अनंतनाग जिले में पहलगाम में मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पहले कहते थे यानी कि जमाते इस्लामी कि चुनाव हराम है लेकिन अब चुनाव को हलाल मानने लग गए हैं। देर आए दुरुस्त आए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस पर जवाब दिया कि अगर जमाते इस्लामी चुनाव में हिस्सा लेना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है, जमात पर से सरकार को प्रतिबंध हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा सरकार को जब्त की गई इनकी सभी संपत्तियों को भी वापस करना चाहिए, ये भी महबूबा मुफ्ती ने आग्रह कर दिया। अब उमर अब्दुल्ला के बयान पर साधा निशाना जमाते इस्लामी के बारे में अब्दुल्ला के बयान। उन्होंने ये कहा कि जब वो सत्ता में आती हैं तो चुनाव हलाल हो जाते हैं और जब वो सत्ता खो देती हैं तो चुनाव हराम के हो जाते हैं। वो जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर मानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय कश्मीर को बचाने की कोशिशों की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर हमला करने से कुछ भी नहीं होगा। वो आज श्रीनगर में सूफी संत शेख हमजा मखदूम की जियारत पर हाजिरी के लिए गए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जियारत में कश्मीर के लोगों और खास करके युवाओं के लिए दुआ मांगी। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने पर ये बात उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, ईश्वर सभी को सही रास्ता दिखाए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को लोकतंत्र को विचारों की लड़ाई बताते हुए सरकार से जमाते इस्लामी पर बैन हटाने का आग्रह किया ताकि वो चुनाव लड़ सके। साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्यूटी चीफ उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी को अफसोसजनक बता दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जमाते इस्लामी कभी चुनाव को तो हराम मानती थी लेकिन अब हलाल मानने लग गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी 28 अगस्त को जमाते इस्लामी पार्टी पर से बैन हटाने का ऐलान कर दिया है। जमाते इस्लामी पार्टी पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बैन लगाया था। शेख हसीना ने इस पार्टी को उग्रवादी और आतंकवादी संगठन के रूप में करार दिया था। साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम पर अराजकता भड़काने के लिए इसके स्टूडेंट विंग और अन्य सहयोगी निकायों को दोषी ठहराया था। अब आपको बता दें कि शेख हसीना को बांग्लादेश के सत्ता से बेदखल करने में जमाते इस्लामी पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी जिसके लिए अब महबूबा मुफ्ती सरकार से गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि भारत में भी इस पर से बैन हटाया जाए। जाहिर तौर पर उनके इस बयान ने तूल पकड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक कड़ी टिप्पणी की। देखना है कि चुनाव में इस बयान को किस तरीके से देखा जाता है और पीडीपी को इससे फायदा होता है या फिर नुकसान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।